वालों के लिए जनरल रीडिंग में क्या है, कुंभ राशि वालों के लिए आप इनको प्रणाम कर सकते हैं। ओम साई राम साई राम। कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहे हैं, कुंभ राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा वो अपने आप को परेशान, मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है और ऐसा मुझे एनर्जी भी आ रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको बार बार वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मुझे, मतलब आप पीछे पलट कर बार बार आपको देखना पड़ रहा है या सोचना पड़ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन फिर वो आपको डार्क नाइट में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि पिछला जो हुआ ऐसा ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है और लेकिन आप लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कहीं ना कहीं किसी भी 9/18/27 को आपके लिए बहुत ही अच्छा समय जो है प्रोफेशनल लाइफ में आने वाला है और जो भी चीज़ें आप पिछला सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल सोचना कम कर दीजिए क्योंकि आने वाले समय में आप जो सोचते हैं वही आपके साथ आएगा और आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग अब है। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी आप देख सकते हैं, जो भी दिक्कत आई, जो भी प्रॉब्लम आई, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के करीब हुए हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कई लोग श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं और उसके बाद आपके लाइफ में एक अच्छा मतलब समय आने वाला है और आपको किसी का गाइडेंस भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्राप्त हो सकता है। जिनका आपको गाइडेंस प्राप्त होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड पर्सन वो हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बहुत ही अच्छा आपको एडवाइस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको सलाह दे सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा डिवाइन के करीब होंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम अपने आप एक एक करके हटते जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि अप्रैल के मंथ में कुछ लोगों को कुछ रिवार्ड्स मिल सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अब हम देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए उनके पर्सनल लाइफ में और उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या गाइडेंस आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पास कुछ जो आप चाहते हैं वो आपके पास कुछ ना कुछ आने वाला है आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। जो लोग अनमैरिड हैं उनका ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का प्रपोजल आ सकता है और जो मैरिड हैं उनके लाइफ में एक मतलब स्पार्क आने वाला है। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है ये आने वाले समय में। और मुझे ऐसा लग रहा है 2 तारीख 20 तारीख और किसी भी प्रकार से दोस्त संबंध रहेगा और आपके स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो आपका हो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ही कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव आप सोचने लग जाते हैं, जैसे कि आप जो सोच रहे हैं वही आपके साथ हो रहा है। तो बीच बीच में आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय आपका आने वाला है लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट, मतलब ऐसा होता है ना कि क्या होता है कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि जब हम 2 सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक प्लेटफॉर्म आता है ना। तो स्पिरिचुअल आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है ना वैसा ही होता है। ऐसा लगता है कि 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद कि अभी कुछ नहीं है लेकिन नहीं, वो प्लेटफॉर्म के बाद आपको फिर से सीढ़ियाँ मिलती है। तो आपके साथ मुझे ऐसा ही लग रहा है जब हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब हम घर में सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप देखते हैं ना कंटिन्यू सीढ़ियाँ कहाँ रहती है। तो बिल्कुल वही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप अगर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं माइंड का कार्ड, आपका माइंड ही आपको कहीं ना कहीं निगेटिव सोच में लाते हैं ना, तो उस सोच से आपको निकलना है क्योंकि आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा संभावनाएं नजर आ रही हैं और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ आप देख सकते हैं। ब्लू कलर जो है काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कलर है और आपको बिल्कुल चलते रहना है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपका तभी होगा जब आप चलते रहेंगे, आपको बीच में रुकना अटकना नहीं है। तो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ रहे और आपके लिए तो यही है कि श्री हनुमान जी की शरण में ही रहे। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ रहेंगे।
अब हम देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन, ओम शांति के मार्गदर्शन बिल्कुल आपके लिए है। कहीं ना कहीं जो आपके मतलब सोच में थोड़ा सा पॉजिटिव आपको लाना है, उसके लिए आपको तारतम्य बनाना है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए, गाइडेंस के साथ आपको मेडिटेशन करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना है आपको। जो भी कभी कभार जो सोच आ जाता है उस सोच से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहना है और आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, जो पिछला बीत गया, जो बात गई वो बात गई, है ना। आपको वर्तमान के बारे में सोचना है, ना आपको कल के बारे में सोचना है, ना जो गुजर चुका है, जो कल बीत गया है उस कल के बारे में सोचना है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन बहुत अच्छा है आपके लिए, आज जो है वही है। आप इस तरीके से रहते हैं और आप बिल्कुल भगवान जी के डिवाइन के शरण में रहते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आने वाले हैं इस समय में। विपुलता कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए, आप देख सकते हैं कुछ पवित्र, जो भी आप जिन भी भगवान को मानते हैं आपको कुछ पवित्र ग्रंथ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, श्री साई सच्चरित्र का भी आप पाठ कर सकते हैं और आप श्रीमद् भागवत गीता के 11 अध्याय का भी आप पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग जब भी आप निगेटिव फील करते हैं तो आप ग्रीक तारा मा मंत्र का जो है वो आप चैंट कर सकते हैं, ओम तारे तू तारे सोहा, है ना। तो इस तरीके से आप 108 टाइम भी आप खुद भी चैंट कर सकते हैं या आप यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सर्च करके सुन सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय आने वाला है। आप लोगों के लिए कुछ और भी इंट्यूशन आ रहे हैं, जो भी हार्ट चक्र में दिक्कत है उसके लिए आपको अपने आसपास घर के आसपास थोड़ा सा पौधों की देखरेख भी आपको करनी चाहिए और अगर आपने प्लांट लगाया वहाँ पर भी आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए, मतलब शाम से पहले आपको बैठना चाहिए वहाँ पर जब भी आपको ऐसा कुछ फील होता है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे समय आने वाला है। तो ये थी कुंभ राशि वालों के लिए जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी उपाय जो है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जितने भी उपाय हैं काफ़ी ज़्यादा जनरल और काफ़ी ज़्यादा अच्छे उपाय हैं। और आप लोगों की मुझे एनर्जी फील हो रही है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आप बिल्कुल चिंता ना करें और साईं बाबा जी के शरण में रहे, श्री हनुमान जी के शरण में रहे, माता जी के शरण में रहे। नवरात्र का पर्व चल रहा है, आप अपनी सारी दिक्कत सारी परेशानियाँ सारे तनाव को आप भूल जाइए और माता जी की शरण में रहिए और माता जी से आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी पिछला बीत गया उसको आप भूल सकें, उसकी आपको शक्ति प्रदान करें और आने वाले समय में आपके लाइफ में ग्रोथ आए, एक अबंडेंस आए, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रार्थना करें। आप सबका बिल्कुल आप सब अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय श्री राम।